मेरा एक क्वेश्चन ये है आपसे। आप कह रहे कि बहन जी को ये बोलना चाहिए कि हमें बुलाना ही नहीं चाहते। जब देखो लालू जी ने क्या कहा था कि उनको बुलाया किसने है, ठीक है। उधर शरद पवार वो कहते हैं कि हमें पता चला है मायावती जी की उधर सेटिंग है बीजेपी से, ठीक है। उनको अपने भतीजे का तो पता नहीं चला, वो बता रहे हैं यहाँ पे कि उनकी सेटिंग है। तो क्या इन दोनों वक्तव्यों पे कांग्रेस पार्टी ने ये बोला, ये कांग्रेस पार्टी ने ये बोला कि भाई बीएसपी हमारे साथ आ सकती है, हमारे सहयोगी दलों को इस पे बात नहीं करनी चाहिए? कांग्रेस पार्टी ने ये क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? देखिए, आप जब ये समझ जाओगे, जिस दिन ये समझ जाओगे ना कि कांग्रेस पार्टी चाहती क्या है, वो आकाश जी ने जो वीडियो जारी किया है ना कि हम दो दलों की जागीर नहीं बनने देंगे, ये कांग्रेस और बीजेपी का दोनों का मुद्दा ही यही है कि दो दलों में बन जाए, जब उधर से हिट पड़े मुसलमानों को दलितों को तो कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस की तरफ पड़े तो बीजेपी की तरफ, यही चल रहा है, ये परसेप्शन बनाया जा रहा है। और जो क्षेत्रीय दल है ना, देखना ऐसे ही खत्म होंगे, और जो अपर कास्ट डोमिनेंट क्षेत्रीय दल है उनको इतना डैमेज नहीं किया जा रहा है। भाई ममता ने स्पेस दे दिया, बीजेपी को स्पेस दे दिया, वहां पे बीजेपी की कितने कितनी वैल्यू थी, और देखो बीजेपी ने वहां पे 18-18 सांसद जिता लिए। तो ये चीजें समझने वाली बात है भाई संदीप भाई, ये याद रखना कि जो है ना बीजेपी, आप ये बताओ आपने ये क्वेश्चन क्यों नहीं किया? पिछले 2018 में एमपी का चुनाव हो रहा था, 230 सीटें हैं एमपी में, 40 से 50 सीटों पे बहन जी बीएसपी मानने को तैयार थी कि 40-50, क्या यार मतलब उसका जब 5-6%, 7%, 11% तक वोट रहा है, मतलब कि कम से कम 10-10% के लगभग, 8% के लगभग वोट रहा है, तो वो क्या 8-10% सीटें वहां पे नहीं मांग सकती है? मांग सकती है ना, तो कांग्रेस ने क्यों नहीं दी? क्या आपको यार देश में ही हटाना है बीजेपी को? हम तो ये चाहते हैं कि वो जो राज्यों से भी हटे, तो क्या आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में नहीं हटाना था? चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि बहन जी को ऐसा बोलना चाहिए, अखिलेश जी तो इंडिया गठबंधन में थे, उनको भी 2-4 सीट दे देती मध्य प्रदेश में, क्यों नहीं दी उसने? तो ये समझने वाली बात है भाई, वो अपना अपने हिसाब से चल रही है, उसका मतलब ही नहीं है आपके मुद्दों से। आप ये तो आप ये कह सकते हो कि बीएसपी, हाँ मैं मानता हूं कि रिजल्ट जो आ रहा है बीएसपी का वो इतना बेहतर नहीं आ रहा है, हम जानते हैं, लेकिन जो बीएसपी कॉन्सेप्ट लेके आई थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है, और ये जो जो तमाम कॉन्सेप्ट और ये जातिगत जनगणना उसका वाला जो मैटर था, तो समझ लो कि कांग्रेस जैसी पार्टी को उस मुद्दे पे बोलना बोलना पड़ रहा है, उस पर जवाब देना पड़ रहा है कि क्यों भागीदारी नहीं है। भले ही उसकी स्टेटों में सरकार चल रही है लेकिन वहां नहीं देगी, लेकिन उसको राहुल गांधी को बोलना पड़ रहा है। तो आप समझ लो कि आप विधायक सांसद जिताने में तो जरूर कम हुए हो, लेकिन जो आप कॉन्सेप्ट लेके आए थे, जो विचारधारा लेके आए थे, उसमें कहीं ना कहीं आप मजबूत हुए हो, इसको मान लो। और वही बात है कि मजबूत सरकार नहीं बने, मजबूर बन जाए, और जो 3 बार हमने बीजेपी से समर्थन लेके सरकार बनाई थी वो मजबूर सरकार थी, इसीलिए बहन जी को पता था, मान्यवर साहब को पता था कि कब सरकार गिर जाए, कोई पता नहीं है, इसीलिए उन्होंने इस तरीके युद्ध स्तर पे काम किए कि जो 6 महीने के काम उन्होंने 15-20 दिन 1 महीने में करके दिखा दिए, रात रात दिन करके। और दूसरा एक चीज और है, अभी आपको फाइनल डिसीजन पे नहीं जाना चाहिए, अभी चुनाव हो रहा है, क्या क्या बदलेगा अभी कोई नहीं जानता है, ठीक है। अभी जो नेता ने कहा है यार, उन्होंने ऐसे ही नहीं कहा है, देखो उनका 40 साल का वो रहा है कैरियर, तो कम से कम उनको उन्होंने कोई सोच समझ के ही बोला होगा, ऐसा नहीं है। और जब हम लोग अपने हिसाब से सोचते हैं, वो अपने हिसाब से सोचते हैं।